शिफ्ट का पेपर है यहाँ पर लोहे पर जिंक की पर चढ़ाना लेपन गर्म करने पर ठोस का द्रव में बदलना ठोस का द्रव में बदलना गलन ठंडा करने पर गैस का द्रवीकरण संघनन, गर्म करने पर द्रव का गैस में बदलना बाष्पीकरण तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा चार एक तीन दो ऑप्शन एक एक्स्ट क्वेश्चन रसोई में प्रयोग होने वाला ईंधन जब द्रव अवस्था में होता है जब यह सिलेंडर से बाहर आता है तो यह गैस बन जाता है और जब यह है, जलता है तो रासायनिक परिवर्तन होता है तो पहला परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है और दूसरा रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा तो इसका राइट राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बी प्रक्रिया में रासायनिक परिवर्तन होगा रासायनिक परिवर्तन नहीं है हिमशहल का बर्फ में पिघलना ऑप्शन डी राइट आंसर होगा राजस्थान के पश्चिम में पाई जाने वाली मरुस्थली मृदा सबसे कम उपजाऊ होती है ऑप्शन डी मरुस्थल का कल्प वृक्ष कहा जाता है खेजड़ी को कहा जाता है ऑप्शन सी क्वेश्चन छ राजस्थान का विश्व मानचित्र सही बताना है तो कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है बांसवाड़ से ऑप्शन सी राइट right आंसर महाराजा सूरजमल ने राजस्थान में अठारवीं सदी में भरतपुर शहर बसाया था ऑप्शन ए राइट आंसर बांध भीलवाड़ा में कोटा, कोठारी नदी पर स्थित है ऑप्शन ए दही का निर्माण लैक्टोबैशिलस के कारण बनता है कुकुट में नस्ल सुधार के लिए संकर प्रजनन कार्यक्रम किन प्रचालों पर केंद्रित है? चूजों की संख्या और गुणवत्ता बढ़ाना उच्च तापमान के प्रति सहनशीलता उच्च देखभाल की आवश्यकता तो सी वाला गलत और अंडे देने वाले पक्षियों के आकार में वृद्धि करना ए बी डी ऑप्शन ए हासली गले का आभूषण है गला यानी गर्दन ऑप्शन सी राजस्थानी चित्रकला का प्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण आनंद कैंटिस स्वामी। ऑप्शन डी बच्चावत की हवेलियां बीकानेर जिले में स्थित है ऑप्शन बी नंबर चौदह मैथ का है तो शुरुआत में इसका वेतन था सौ रुपये माना। सोलह परसेंट कम हो गया तो चौरासी रुपये रह गया अगले वर्ष चौरासी पर वो पच्चीस परसेंट बढ़ा देता है तो चौरासी का पच्चीस परसेंट बढ़ाएगा तो इक्कीस रुपये हो जाएगा इक्कीस रुपये को चौरासी में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा एक सौ पाँच हो जाएगा अब एक सौ पाँच सौ में से घटाएंगे जो प्रारंभिक वेतन से तो पाँच बचेगा तो उसकी वृद्धि कितनी हुई पाँच परसेंट वृद्धि हुई ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर इकहत्तर और बासठ में अंतर इक्यासी है तो यहाँ पर इकहत्तर और बासठ में अंतर नौ हो गया तो नौ का हम यहाँ पे इकरा इकसठ इक्यासी में भाग दे देंगे और उसका पच्चीस परसेंट क्या होगा इन टू पच्चीस कर देंगे तो इक्यासी बटे नौ गुणा पच्चीस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा दो सौ पच्चीस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर सोलह किसी संख्या में से एक सौ ग्यारह घटाने पर वह स्वयं की तेरह परसेंट रह जाती है तो उस संख्या का बीस परसेंट क्या होगा तो सौ में से हम तिरसठ घटाएंगे तो हमारे पास में सैंतीस रहते हैं और यह ग्यारह के बराबर होगा सैंतीस तो ग्यारह एक सौ ग्यारह बटे सैंतीस गुणा बीस परसेंट आ जाएगा तो पचपन पॉइंट पाँच परसेंट आएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन कोई धनराशि साधारण ब्याज की समान दर से पाँच वर्ष में आठ हज़ार रुपये तथा आठ वर्ष में नौ हज़ार आठ सौ हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी तो यहाँ पर इसका तीन वर्ष का ब्याज हो जाएगा अठारह सौ रुपये एक वर्ष का ब्याज छः सौ रुपये और पाँच वर्ष तो इसका मूलधन आ जाएगा पाँच हज़ार रुपये और इसकी दर निकालेंगे तो बारह परसेंट आएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा राजस्थान के मुख्य राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य सीतामाता अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ उदयपुर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर दुधवा खारा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश तो ये राजस्थान में नहीं है ऑप्शन ए बी सी सही है ए बी सी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर नीलगाय एक प्रजाति है तो ये गाय की प्रजाति है जो जंगली गाय के नाम से जानी जाती है राजस्थान में चौदह जनवरी मकर संक्रांति के दिन पतंग महोत्सव मनाया जाता है जयपुर में ऑप्शन ए एक जुलाई उन्नीस सौ एक जुलाई दो हजार उन्नीस को यह योजना चालू की गई थी जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल शक्ति अभियान इसका थीम है वर्षा को पकड़ो जहाँ गिरे जब यह गिरे इसके पांच मुख्य बिंदु थे पहला था जल संरक्षण और वर्षा जल संचय दूसरा पारंपरिक और अन्य जल निकायों टैंकों का नवीनीकरण बोरवेलों का पुनः उपयोग और पुनः भरण वाटर शेड विकास गहन वनरोपण पाँचों पांचों पाँचों ऑप्शन सही है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा वन उन्मूलन हमारे लिए हानिकारक है यानी वनों को काटना हमारे लिए हानिकारक है तो सबसे उपयुक्त उत्तर चुनना है तो यह उर्वरक यह मृदा की उर्वरक शक्ति को बढ़ाता है तो वन उन्मूलन घटाता है यह मृदा अपर्दन बढ़ाता है तो ये सही है मृदा अपर्दन बढ़ाता है यह मृदा अपर्दन घटाता है यह वर्षा में वृद्धि करता है तो यहाँ पर जो तीन ऑप्शन है वो तो वनों के लाभ है और यह वनों का नुकसान है ऑप्शन बी तो मृदा आपर्दन बढ़ाता है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होना चाहिए केवला देव राष्ट्रीय उद्यान यह भरतपुर ज़िले में है यह अनेक पक्षियों का वास स्थान है यह तेंदुए के लिए नहीं सारस के लिए प्रसिद्ध है यह विशेष ऋतु में अनेक पक्षी प्रवास के लिए आते हैं ऑप्शन बी डी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मानव शरीर में आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत ग्रंथि जो मानव शरीर में हार्मोन के साथ एंजाइम श्रावित करती है शर्करा के स्तर को नियंत्रित करती है तो अग्नाशय ग्रंथि ग्लूकेगोन हार्मोन श्रावित करती है इंसुलिन भी श्रावित करती है और पाचक एंजाइम भी श्राबित करती है ऑप्शन ए ग्रास नली की महासपेशियों की विशेषता है क्रमानुकुंचन गति छोटी आंत का पहला भाग होता है गृहिणी और आहर नाल का अंतिम सिरा मलाशय और आहर नाल का वह भाग जो मुंह के बाद आता है उसको मुख गुहा कहते हैं एक तीन चार दो एक तीन चार दो ऑप्शन सी समतल दर्पण के बारे में गलत कथन बताना है तो समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब आभासी बनता है सीधा और पार्श्व बनता है वस्तु के आकार का बनता है लेकिन वास्तविक नहीं बनता तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वह परिघटना जिसमें दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग दाहिनी ओर और, और दाहिना भाग ओर दिखाई देता है इसको कहते हैं पार्श्व परावर्तन ऑप्शन डी एक वस्तु को दर्पण के सामने रखा गया है दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा उस वस्तु के आकार के समान और दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है जितना दर्पण के सामने वस्तु है तो यह दर्पण होता है समतल दर्पण ऑप्शन बी एक तारा यह वाद्य यंत्र मीराबाई द्वारा बजाया जाता है अलगोजा यह बांसुरी जैसा वाद्य यंत्र सुशीर वाद्य यंत्र है, है। रावण हत्ता भोपे द्वारा बजाया जाने वाला नगाड़ा दो लकड़ी के डंडों से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है तीन चार दो एक ऑप्शन ए राइट आंसर कौन से सूफी संत नहीं हैं अमीर खुसरो सूफी संत है बाबा फरीद सूफी संत है ख्वाजा मोहनुद्दीन चिश्ती सूफी संत है दादू दयाल सूफी संत नहीं है इसको राजस्थान के कबीर के नाम से जाना जाता है ऑप्शन डी संतों का जीवन इतिहास जो कविता रूप में राजस्थान में उपलब्ध है उसको पर्ची के नाम से जानते हैं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 मिथुन चक्रवर्ती यहाँ पर देखो प्रश्न को घुमाया है उत्तर भारत में रबी की फसल नहीं है चना गेहूं सरसों ये रबी की फसल है जबकि मक्का खरीफ की फसल है ऑप्शन सी जयपुर मेट्रो परियोजना का पहला चरण फर्स्ट ए शुरू हुआ था मानसरोवर से चांदपोल के बीच घग्गर नदी के तट पर प्राचीनतम किला भटनेर का किला है ऑप्शन वी ब्रह्मा मंदिर राजस्थान के पुष्कर में है राजस्थान के बहादुर आत्मसम्मान और बलिदान के प्रतीक के रूप में याद किए जाते हैं राणा सांगा को ऑप्शन डी राजस्थान में रत्न और आभूषणों के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थापित किए गए हैं तो इसका आंसर हम कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा छः कौन सी बोली पर गुजराती प्रभाव दर्शाती है तो ढूंढाणी बोली में छः शब्द का प्रयोग होता है और यह गुजराती और ब्रज भाषा का इस पर प्रभाव पड़ता है आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला वैणेश्वर जयपुर के निकट भावगढ़ बंध्या गांव में पशु मेला लगता है खलकानी माता का गधा मेला 9 अक्टूबर को यानी कि अश्विन में लगता है राजस्थान में अरावली क्षेत्र की विशेषताओं की पहचान करनी है अरावली पर्वत को आड़ा बाला पहाड़ भी कहा जाता है सही अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला मानी जाती है इसकी ऊंचाई दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है यानी घटती है शिखर अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है तो ए बी डी सही है तो ए बी डी यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है सी सब में दे रखा है गलत है राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है निम्न में ऐसे कौन सी धातु नहीं है तो फास्फोरस एक धातु नहीं है फास्फोरस एक धातु है पारा सोडियम मैग्नीशियम धातु है राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता राजस्थानी कविता मुक्ति के लेखक मीठेश निर्मोही ऑप्शन डी उस व्यक्ति की पहचान करें जो राजस्थान संबंध है और 2021 में राष्ट्रपति द्वारा सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक मरणोपरांत दिया है राम अवतार गोदरा को दिया है ऑप्शन सी भारत की बारहवीं राष्ट्रपति है श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ऑप्शन सी आनुवंशिकी के जनक जॉन ग्रेगर मैंडल ऑप्शन बी ग्रेगर जॉन मैंडल मानव तंत्र का भाग नहीं है मेडुला मस्तिष्क का भाग है ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा मेडुला उच्छावसन यानी एक्स हेलेंस के दौरान पसलियां गति करती है तो नीचे की ओर और, और अंदर की ओर गति करते हैं ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्स हेलेक्स में हम श्वास बाहर की ओर छोड़ते हैं यहाँ पर मिलान करना है गोबर संयंत्र गाय भैंसे गोबर से बनता है तीन बर्मी कम्पोस्ट कैप्स चार भूमि भरण ठोस अवशिष्ट को मिलाते हैं दो और लोहे की छीलन टूटे प्लास्टिक का सामान इसको हम पुनर्भरण में पुनर्चक्रण में काम लेते हैं एक तीन चार दो एक तीन चार दो एक ऑप्शन सी पेनीशिलिन की खोज किसने की थी डिस्कवरी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ऑप्शन डी भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है पीटी टी ऊषा ऑप्शन डी द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है प्रख्यात प्रशिक्षकों को यानी कोचों को दिया जाता है मरु राय का पशुचारकों का आशय ऊंट पालकों को कहते हैं मरु राय का राय का रेवारी गद्दी चरवाहे हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं राजस्थान में पशुचारक समुदाय है राय का ऊंट पालक है गुर्जर बकरवाल जम्मू कश्मीर में गद्दी हिमाचल प्रदेश में और धनगर एक राजस्थान में मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना घरेलू सब्सिडी के तहत उन उप उन उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली प्रदान की जाती है जिनकी खपत यूनिट प्रति माह सौ यूनिट है ऑप्शन बी कौन सी योजना रोजगार युवाओं को रोजगार उन्मुखी कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार का अवसर प्रदान करती है तो योजना है रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा उत्तल दर्पण को कहते हैं अभिसारी दर्पण ऑप्शन सी वंशागति के नियम दिए थे ग्रेगर मैंडल ने ऑप्शन बी वंशागति का नियम नहीं है विभ्रंश का नियम ऑप्शन सी भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत जी ट्वेंटी के लिए प्रथम शेरपा बैठक कहाँ रखी गई थी तो उदयपुर में रखी गई थी उदयपुर में रखी गई थी 2022 में भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 का, का बीसवा संस्करण राजस्थान में आयोजित किया गया था ऑप्शन डी कर को समय के लिए प्लेट में छोड़ देते हैं तो इसका रंग लाल भूरा हो जाता है आयरन ऑक्साइड के कारण ऑप्शन बी जल में तैरने वाली धातुएं जिनका द्रव्यमान जल से कम होता है वो जल में तैरती है तो हवा सोडियम का ग्यारह होता है सॉरी तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी डी सोने की अंगूठी नहीं तैर नहीं तैरेगी और स्टील का चम्मच नहीं तैरेगा तो यहाँ पर डी सब में है तो ये गलत है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी ए बी सी हवा से बना गुब्बारा सोडियम और पोटेशियम ये जल में तैरेंगे कटकर को कुछ समय के लिए प्लेट में छोड़ देते हैं तो इसका रंग लाल भूरा हो जाता है आयरन ऑक्साइड के कारण ऑप्शन बी जल में तैरने वाली धातुएं जिनका द्रव्यमान जल से कम होता है वो जल में तैरती है तो हवा सोडियम का ग्यारह होता है सॉरी तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी डी सोने की अंगूठी नहीं ते, नहीं तैरेगी और स्टील का चम्मच नहीं तैरेगा तो यहाँ पर डी सब में है तो ये गलत है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी ए बी सी हवा से बना गुब्बारा सोडियम और पोटेशियम ये जल में तैरेंगे। कोई राशि चक्रवर्ती ब्याज पर 18 वर्ष में स्वयं की आठ गुनी हो जाती है तो वह कितने वर्षों में स्वयं की दोगुनी होगी जब यहाँ पर दोगुनी पूछा जाता है तो हम दोगुना करके रखते हैं तो शुरू का राशि होगी पी तो वह दोगुनी हो जाएगी टू पी फिर फिर दोगुनी हो जाएगी फोर पी फिर दोगुनी हो जाएगी आठ पी तो इस तरह से कितने सेगमेंट बने तीन बने तो तीन का हम अठारह भाग देते हैं तो छी अठारह तो छः छः वर्ष में ये क्या हो रही है दोगुनी हो रही है तो छः छः वर्ष में दोगुनी होगी तो यहाँ पर छः वर्ष ऑप्शन सी दे रखा है राइट आंसर यदि ए अनुपात बी बराबर दो अनुपात तीन हो तो ए प्लस बी अनुपात बी ए माइनस बी का मान क्या हुआ तो ए प्लस बी बराबर पाँच है और ए और दो दो तिया छः और छः में से तीन घटाएंगे तो तीन बचेगा तो पाँच अनुपात तीन आएगा तो D, इसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा तीन संख्याओं का योग एक सौ छियानवे है यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात दो अनुपात तीन है तथा दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात पाँच अनुपात आठ है तो पहली संख्या क्या होगी तो पहली संख्या चालीस होगी इसको इस तरह सेट कर लेंगे और सेट करने के बाद में तीनों का योग होगा एक सौ छियानवे और इसका अनुपातों का योग गुणा दस कर देंगे पहली संख्या चालीस आ जाएगी दो संख्याओं का औसत उनमें से एक संख्या का अनुपात दो अनुपात तीन है तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात याद करो तो दो संख्याओं का औसत दो दे रखा है और जो दूसरी बड़ी संख्या है वो तीन अनुपात में दे रखी है हम इनको गुणा करते जाएंगे तीन दून छः हो जाएगा दो दून चार हो जाएगा और चार क्या है दो संख्याओं का औसत है तो चार को गुणा कर देंगे दो से तो आठ आ जाएगा दो संख्याओं का योग आठ हो जाएगा और तीसरी संख्या छः हो जाएगी छः में से आठ घटा देंगे दो बचेंगे तो दो छोटी संख्या हो जाएगी और बड़ी संख्या हो जाएगी तो दो छोटी संख्या हो जाएगी बड़ी संख्या छः हो जाएगी तो छः अनुपात दो करेंगे तो तीन अनुपात एक आएगा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तो ए जाए� एक दुकानदार किसी वस्तु को ग्यारह सौ में बेचता है और दस परसेंट की हानि उठाता है बीस परसेंट लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए तो यहाँ पर जो दस परसेंट की हानि होती है तो नब्बे के बराबर हो जाएगा ग्यारह सौ अस्सी ग्यारह सौ तो 120 परसेंट करने के लिए 120 से गुणा कर देते हैं ग्यारह सौ अट्ठासी बटे नब्बे गुणा एक सौ बीस तो हमारा आ जाएगा पंद्रह सौ चौरासी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा रोहन एक कलाई घड़ी को अंकित मूल्य के चार बटे पाँच पर ख़रीदता है और अपने मित्र को अंकित मूल्य से आठ परसेंट अधिक पर बेच देता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ तो यहाँ पर मान लेते हैं कि उसका अंकित मूल्य सौ रुपये है तो चार बटे पाँच को हम गुणा करेंगे तो अस्सी रुपये में वो खरीदता है और अपने मित्र को अंकित मूल्य यानी सौ रुपये पर आठ परसेंट का अधिक बेचता है यानी एक सौ आठ रुपये में बेचता है तो इसका लाभ हो जाएगा अट्ठाईस अट्ठाईस का हम अस्सी परसेंट पर निकालते हैं अस्सी रुपये पर तो पैंतीस रुपये उसको लाभ प्राप्त होता है अस्सी मूल्य के हिसाब से तो अस् तो इसका पैंतीस परसेंट इसका लाभ हो जाएगा ऑप्शन डी किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का चार बटे पाँच है तो इस लेन देन में लाभ प्रतिशत बताओ तो हम मान लें कि उसका विक्रय मूल्य सौ रुपये है तो उसका क्रय मूल्य हो जाएगा अस्सी रुपये सौ का चार बटे पाँच होता है अस्सी रुपये तो इस लेन देन में लाभ बताओ तो सौ में से अस्सी घटाएंगे बीस तो अस्सी पर परसेंट लगाएंगे तो पच्चीस परसेंट आएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी राजस्थान में तालाब का छोटा रूप हो जाएगा खड़ीन ऑप्शन डी रावी व्यास परियोजना का राजस्थान में सिंचाई के लिए उपयोग होता है तो यहाँ पर बीजलपुर बांध तो हमारे सवाई माधोपुर में या बूंदी में है पांचणा बांध भी राजस्थान के दक्षिण में है गांधी सागर भी दक्षिण में है तो उत्तर राजस्थान में सिद्धमुख हो जाएगा तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा नेक्स्ट सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे बारह पंद्रह अठारह और बीस से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष तीन बचता है तो इनका लैसे निकालेंगे लैसे निकालने के बाद में तीन जोड़ देंगे लैसे आएगा इनका एक सौ अस्सी और उसमें तीन जोड़ देंगे एक सौ तिरासी हो जाएगा तो प्रत्येक स्थिति में सी बचेगा तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है जिसमें से चार घटाने पर वह दस बारह चौदह अठारह से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो चारों संख्याओं का हम ले ले लेते हैं लेसे लेने के बाद हम दो सौ साठ आता है दो सौ साठ में हम चार जोड़ देंगे तो चौंसठ हो जाएगा तो ऑप्शन सी बारह सौ चौंसठ होगा क्वेश्चन है ऐसी सबसे बड़ी संख्या क्या है जिससे एक सौ उनचास दो सौ अड़तालीस छः सौ तेईस को विभाजित करने पर क्रमशः पाँच आठ और ग्यारह इस बचते हैं तो इनका हमें मैसे ज्ञात करना होगा तो सबसे पहले एक सौ उनचास में से पाँच घटाएंगे एक सौ चम्बालीस दो सौ अड़तालीस में से आठ घटाएंगे दो सौ चालीस और छः सौ तेईस में से ग्यारह घटाएंगे छः सौ बारह इनका लेसे निकालते हैं तो हमारे पास में दो 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 इंटू दो इंटू दो दो इंटू तीन बचता है और इससे आगे इसमें भाग नहीं जाएगा तीनों संख्या में तो तीन दून छः छः दून बारह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पशुओं में खुरपका का रोग होता है विषाणु जनित ऑप्शन बी बसा का प्रतिशत सर्विस सबसे अधिक होता है तो किस पशु उत्पाद में सबसे अधिक बसा की मात्रा होती है तो इसमें ऑप्शन सही होना चाहिए मांस में किस जंतु उत्पाद में प्रोटीन का प्रतिशत न्यूनतम है तो ये होना चाहिए गाय का दूध गाय के दूध में बीस पंद्रह बीस परसेंट पाया जाता है बीस परसेंट खेती का वह तरीका जिसमें फसल उत्पादन और पशुपालन एक ही स्थान पर किए जाते हैं उसको कहते हैं मिश्रित खेती ऑप्शन सी राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर नहीं गुजरता है तो एनएच दस ये पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से गुजरता है तेईस ग्यारह चम्बालीस राजस्थान में है तेईस जयपुर दौसा टोक माधोपुर करौली धौरपुर ग्यारह जैसलमेर बीकानेर चूरू सीकर झुंझुनू और चम्बालीस धौलपुर बावड़ियों का शहर बूंदी को कहा जाता है ऑप्शन सी दो हजार ग्यारह के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या में दूसरा स्थान किसका है तो जयपुर जोधपुर अलवर नागौर जयपुर जोधपुर अलवर नागौर ऑप्शन सी राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवाओं को लू कहते हैं शीत ऋतु में भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होने वाली वर्षा कहते हैं महावट विदेशी गाय की नस्लें दूध देने वाली जर्सी होल्स्टीन फ्राइशियन और ब्राउन्ज बी ई डी वी डी ई ऑप्शन सी सबसे कम लिंगानुपात पाया जाता है धौलपुर में ऑप्शन सी धौलपुर जैसलमेर करौली भरतपुर धौलपुर जैसलमेर करौली भरतपुर सागरमल गोपा स्वतंत्रता सेनानी थे और ये राजस्थान के जैसलमेर से प्रसिद्ध थे राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में अलवर भरतपुर धौलपुर करौली बीकानेर रियासत में उन्नीस से लेकर के उन्नीस के बीच 300 स्कूल खोलने वाले थे स्वामी केशवानंद ऑप्शन सी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा विषय में गलत कथन बताने हैं आधातु द्रव की तीनों अवस्था पाई जाती है ठोस द्रव्य है सही हीरे को छोड़कर के सभी धातुएं अधातुए तन्य होती है गलत है ग्रेफाइट सबसे कठोर अधातु है यह भी गलत ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाई जाती है अधातुए सही है आयोडिनिक अधातु है, ये भी सही तो गलत है बी सी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा खाने के डिब्बे पर जिंक के स्थान पर टीन की परत चढ़ी होती है क्योंकि टीन की क्रियाशीलता कम होती है और ये खाने को विषाक्त होने से रोकता है तो जिंक की क्रियाशीलता जिंक टीन से अधिक क्रियाशील होता है इसलिए इसकी परत तो नहीं चढ़ाई जाती ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा सागवान की वृक्ष सागवान की वृक्ष कृषि के औजार बनाने के काम आते हैं तीन सालर वृक्ष पैकिंग के डिब्बे बनाने के काम में आते हैं धोहे वृक्ष इनको जला करके कोयला बनाया जाता है सेवन और धावन घास ये पशु का चारा है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य राजस्थान में जीवाश्मों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर भाकड़ा नागल परियोजना पंजाब हरियाणा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है ऑप्शन डी भरतपुर का गंगा मंदिर महाराजा बलवंत सिंह ने 1845 में बनवाया था इसका निर्माण 90 वर्षों तक चला था ऑप्शन ए। विवाह के अवसर पर राजस्थान में मोठड़ा पगड़ी पहनी जाती है ऑप्शन ए भारत में पैरा ओलंपिक खेल 2024 ग्रीस में शीतकालीन के रजत पदक विजेता के लिए पुरस्कार राशि है पचास लाख रुपए राजस्थान का कभी मुख्यमंत्री नहीं रहा तो इसमें सचिन पायलट नहीं रहा वह संशोधन जो लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन के लिए सीटों का आरक्षण समाप्त करता है संशोधन अधिनियम 104 पुनः चक्रण किया जा सकता है धातु के डिब्बों का प्लास्टिक की बोतलों का ऑप्शन ए डी रेविज वायरस के कारण होता है रेबीज वायरस के कारण होता है तेल और पेंट का उपयोग कंपोस्ट खाद बनाने में उपयोग नहीं करते यदि ए अनुपात छः बराबर बी अनुपात सात बराबर सी अनुपात आठ हो तो टू ए प्लस थ्री बी माइनस सी बटे बी प्लस सी का मान ज्ञात करेंगे तो ए बराबर हो जाएगा सिक्स वी बटे सात और सी बराबर हो जाएगा आठ बी बटे सात अब इसका मान रख देंगे ए का मान और सी का मान और रखने के बाद इसको हल करेंगे तो पाँच बटर तीन आएगा ऑप्शन सी पशुओं में सेलुलोज का पाचन रूमेन में होता है जुगाल क्या है कड क्या है कड पशुओं में आंशिक रूप से पचित भोजन होता है जिसको पशु अपने मुंह में ला करके चबाते हैं बाहर निकालकर कर मछली का श्वसन अंग हो जाएगा गिल्स यानी क्लॉम द्वारा श्वसन करते हैं राजस्थान का पड़ोसी राज्य नहीं है महाराष्ट्र नहीं है पंजाब हरियाणा गुजरात मध्य प्रदेश है राजस्थान में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में से राजस्थान में संयंत्र भारी दाव रिएक्टर तो आई पी एच डब्ल्यू आर है ऑप्शन डी दावित भारी जल रिएक्टर प्रेस्ड हैवी वाटर रिएक्टर ग्राम स्वराज अभियान केंद्र सरकार के अनुसार चलाया है 2022 से 2026 तक चलेगा सबका साथ सबका गांव सबका विकास ऑप्शन सी 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जैसलमेर है जैसलमेर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है जयपुर सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर बाड़मेर में थी बत्तीस पॉइंट पचपन परसेंट राजस्थानी साहित्य का प्रथम गद्य लेखक शिवचंद्र भारती वह काव्य जो किसी राजवंश या व्यक्ति की महान उपलब्धियों का वर्णन करता है उसे रासो कहते हैं एक तार वाला संगीत यंत्र जो विभिन्न प्रकार की धुने और राग उत्पन्न कर सकता है एक तारा कहलाता है ऑप्शन बी राय का राजस्थान में धनगर महाराष्ट्र में गढ़ेरिया हिमाचल प्रदेश में बकरवाल जम्मू कश्मीर में दो तीन चार एक भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम उन्नीस में लागू हुआ दूध देने वाले पशु की देसी नस्ल नहीं है जर्सी देशी नस्ल नहीं है साहिवा लाल सिंधी थार पार का है एलवनी जल की मछली नहीं है मतलब मीठे जल की मछली है रोहू रोहू मीठे जल की मछली है कुक्ट पक्षी को पिंजर या जाली सिस्टम में पालने के लाभ अधिक संख्या में पक्षियों का पालन हो सके इसको नहीं मान सकते हम स्वच्छंडों का उत्पादन होता है परजीवी रोगों का नियंत्रण होता है उपयुक्त बातन की सुविधा होती है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दो हज़ार बीस इक्कीस से दो हज़ार चौबीस पच्चीस तक पांच वर्ष की अवधि में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना पी एम एफ एम ई को लागू करने के लिए राजस्थान ने में नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया है राजस्थान स्टेट कृषि विपणन बोर्ड को ऑप्शन बी शैक्षिक कॉलेजों में कौशल विकास को एकीकृत करने के लिए मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना एम एम के वाई शुरू की है मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना एक एक जिला एक उत्पाद राजस्थान में किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कौन सी योजना राजस्थान में आबादी को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करती है वह चिरंजीवी भी स्वास्थ्य बीमा योजना ऑप्शन ए दो संख्याओं का महत्तम समावर्त्य क्या है यदि उनका लघुत्तम समावर्त्य उनके महत्तम समावर्त्य का छत्तीस गुना है तथा उनका गुणनफल तेवीस जीरो चार है तो यहाँ पर लेसे को मान लेते हैं हम छत्तीस एक्स और मैसे को मानते हैं एक्स दोनों गुणनफल हो जाएगा और एक्स बराबर आ जाएगा आठ तो आठ ही इसका महत्तम समाप्रत हो जाएगा ऑप्शन सी अंकित ने चार कमीज़ पांच सौ पचपन प्रत्येक की दर से खरीदी तथा दो पतलून 820 रुपए प्रत्येक की दर से ख़रीदी इन वस्तुओं का औसत क्या होगा तो चार इंटू पाँच सौ दो, दो और दो पतलूनों कीमत सोलह दोनों को जोड़ लेते हैं अड़तीस तीन हजार आठ सौ चालीस इसमें छः वस्तुएं हैं तो छः का भाग दे देंगे तो इसका औसत आ जाएगा छः सौ चालीस रुपये प्रत्येक वस्तु का कीमत एक कक्षा में तैंतीस विद्यार्थियों का औसत वज़न पैंतीस किलोग्राम है यदि अध्यापक और प्रधानाचार्य के वज़न को जोड़ दिया जाए तो औसत वज़न एक किलोग्राम बढ़ जाता है तो कक्षा अध्यापक और प्रधानाचार्य का औसत वज़न कितना होगा तो पहले था 33 विद्यार्थी थे तो पैंतीस औसत था दो और बढ़ गए पैंतीस और एक एक किलो छब्बीस हो गया तो छत्तीस छत्तीस हो गया तो छत्तीस दूनी तो दो बेहतर तो दोनों का वजन हो गया और एक एक किलो तैतीस में और दिया तो यहाँ पर तैतीस हो गया तैतीस एक सौ पाँच तो पचास पॉइंट पच्चीस किलोग्राम आएगा औसत दोनों का दूसरा तरीका ये है कि दोनों को हम कुल वजन निकाल लेते हैं औसत तैतीस गुणा पचपन पैंतीस कर लेते हैं और फिर दूसरी बार छत्तीस गुना पैंतीस कर लेते हैं तब हमारा यही उत्तर आएगा एक कक्षा के चालीस विद्यार्थियों में से पैंतालीस परसेंट लड़कियाँ हैं तो पैंतालीस परसेंट लड़के हो जाएंगे अठारह लड़कों का औसत वज़न अड़तालीस है तो लड़कों को बाईस से अड़तालीस गुना कर देंगे और लड़कियों के वजन तैतालीस को अठारह से गुणा कर देंगे जोड़ने के बाद में चालीस का भाग दे देंगे तो औसत आ जाएगा हमारा पैंतालीस पॉइंट पचहत्तर ऑप्शन डी क्रेमिक बट्टे पच्चीस परसेंट बीस परसेंट और पंद्रह परसेंट के समतुल एकल बट्टा क्या होगा तो पहले पच्चीस और बीस की मद निकालते हैं तो बीस प्लस पच्चीस प्लस बीस माइनस पच्चीस इंटू बीस बटे सौ तो ये आ जाता है चालीस परसेंट फिर चालीस प्लस पंद्रह के बीच निकालते हैं तो चालीस प्लस पंद्रह माइनस चालीस इंटू पंद्रह बटे सौ तो ये हो जाएगा उनचास परसेंट ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर अट्ठाईस परसेंट बट्टे के साथ बेचने पर भी दुकानदार बीस परसेंट का लाभ अर्जित करता है यदि वह वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचता तो उसके लाभ का प्रतिशत कितना होता तो यहाँ पर सौ में से बट्टे को घटा देते हैं बटे सौ में लाभ को जोड़ देते हैं फिर उसके बाद में जो अनुपात प्राप्त होता है ऊपर वाला अनुपात हमें क्रय मूल्य का, का प्राप्त होता है नीचे वाला विक्रय मूल्य का प्राप्त होता है विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देते हैं और फिर जो लाभ प्राप्त होता है उसको क्रय मूल्य से सौ का परसेंट निकाल देते हैं और छियासठ सही ही दो बटा तीन परसेंट प्राप्त होगा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा मूल्य बीस परसेंट बढ़ जाता है इसके उपयोग में कितने परसेंट की कमी की जाए जिससे कि पेट्रोल पर होने वाला व्यय उतना ही रहे तो यहाँ पर जितनी परसेंट की वृद्धि हो रही है उसको ऊपर लिख देते हैं और जो नया क्रय मूल्य है उसको नीचे लगा देते हैं एक सौ बीस गुणा सौ कर देते हैं तो हमें सोलह से दो बटे तीन परसेंट की कमी करनी होगी व्यय ऑप्शन डी राइट आंसर होगा रक्त में कैल्शियम स्तर के घटने का की वजह से मिल्क फीवर होता है मारे एक रोग पक्षियों में होने वाला रोग है ये वायरस जनित है भूग्याल बर्फ से ढके हुए घास के मैदानों को भूग्याल कहते हैं और ये पर्वतों पर पाए जाते हैं तो इसका राइट आंसर हम डिस्क्रिप्शन में देंगे राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांभर राजस्थान की कौन सी नदी वैदिक और पुराण काल से संबंधित है सरस्वती नदी जिसको गग्गर नदी के नाम से जानते हैं खेजी आंदोलन राजस्थान के भारत के राजस्थान राज्य में है राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त होती है तो दक्षिणी डी राजस्थान में बारहमासी नदी है चंबल नदी साधारण ब्याज की समान दर पर एक्स दो वर्ष के लिए भाई को आठ हज़ार रुपये ऋण देता है जेड को चार वर्ष के लिए छः हज़ार रुपये ऋण देता है एक्स दोनों से कुल चौबीस सौ रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त करता है तो ब्याज की वार्षिक दर होगी तो यहाँ पर दोनों के मूलधनों को जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद इसको हल करेंगे इस तरह से तो छः परसेंट वार्षिक ब्याज दर प्राप्त होगा छसेंट वार्षिक ब्याज दर प्राप्त होगा किसी धनराशि पर साधारण ब्याज उसकी मूल राशि का एक नौ है और ब्याज की वार्षिक दर बरसों की संख्या के बराबर है तो ब्याज की वार्षिक दर होगी परसेंट कितने समय में आठ हजार की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर बीस परसेंट की वार्षिक दर से नौ हजार दो सौ इकसठ हो जाए यदि ब्याज त्रैमासिक संयोजित हो तो यह नौ महीने में हो जाएगी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका हम आठ हज़ार का भाग हम इसके चक्रवर्ती ब्याज में दे देते हैं नौ हज़ार दो सौ इकसठ में दे देते हैं तो जितनी जीरो आती है नीचे वो सौ सौ के हिसाब से उनको दो दो जोड़े बना लेते हैं तो तीन जोड़े बनते हैं तो तीन जोड़े तो तीन महीने के हिसाब से बनती है और बीस वार्षिक दर पांच परसेंट हो जाती है तो ऑप्शन नौ इसका राइट आंसर होगा होली पर पुरुषों द्वारा गाए जाते हैं केला देवी मंदिर में लांगुरिया नृत्य किया जाता है तेरे ताली नृत्य को बैठी हुई मुद्रा में किया जाता है ऑप्शन सी लास्ट और अंतिम क्वेश्चन चार वैत न चार वैत राजस्थान के टोंक जिले का है तो डेढ़ सौ क्वेश्चन पूरे हो गए वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना धन्यवाद